राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत अब जब थम चुकी है तो बगावत के सुर भारतीय जनता पार्टी से लगने शुरू हो गए हैं। सियासी घटनाक्रम में कांग्रेस के कुनबे की कलह का मजा लेते लेते अब भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह शुरू हो गई है। ये पार्टी विद अ डिफरेंस को भी नहीं पता चला। हालात ऐसे हो गए, सरकार को घेरने का दावा करने वाली भाजपा खुद अपने नेताओं की लड़ाई में घिरती नजर आ रही है। पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी एकजुटता का दावा कर रही है, लेकिन पार्टी कई बार खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। इस खास रिपोर्ट में वसुंधरा राजे पर हम आपसे चर्चा करेंगे। पार्टी नेताओं के डिफरेंस आए दिन इस नारे को बेमानी साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। नारा है पार्टी विद डिफरेंस। मौजूदा हालात ऐसे हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के साथ प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ और नेता गुलाबचंद कटारिया ने सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया, लेकिन वो उसे सिरे नहीं चढ़ा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के साथ कम ही दिखाई दी। अब जब कांग्रेस के कुनबे में कलह के बीच बीजेपी अपने विधायकों को मजबूत करने में जुटी, वसुंधरा राजे एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास राजस्थान के बाकी नेताओं को करवाने में लग गई। वसुंधरा राजे समर्थक विधायक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर भी पार्टी की बाड़ेबंदी में राजस्थान से बाहर नहीं गए। उसके बाद वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करती हैं। मौजूदा रणनीति में खल रही कमियों की पोल पार्टी वरिष्ठ नेताओं के सामने जाकर खोलती है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने वसुंधरा राजे को पार्टी का लीडर बताते हुए कहा, दो बार मुख्यमंत्री रहे नेता को राजस्थान के बारे में अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर केंद्रीय नेताओं से चर्चा करने का अधिकार है। अगर वसुंधरा राजे केंद्रीय नेताओं से मिलती हैं, इसे खेमेबाजी किसी सूरत में नहीं माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस के नेता जाहिर तौर पर दो खेमों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को देख पा रहे हैं। महारानी वसुंधरा राजे की खामोशी से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर दबाव पड़ा है। जयपुर जाएगी केंद्रीय मंत्रियों की टीम, ये खबर आ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की जो टीम है वो जयपुर जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के असंतोष को खत्म करने। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।